बकवासियात में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन इमाम और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है शादी। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में शादी एक अहम मोड़ होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि शादी पूरी ज़िंदगी का सेकंड हाफ होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ में ही इतना डिस्कस किया जाता है कि ये महसूस होने लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ शादी करना है। हम इस दुनिया में आए ही सिर्फ इसलिए हैं कि दूसरों की शादियों में जाकर बोले चूड़ियाँ बोले कंगना पर डांस करें और दूसरों को अपनी शादी पर बुलाकर बोले चूड़ियाँ बोले कंगना पर डांस करवाएँ। शादियाँ अमूमन दो तरह की होती हैं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। और लव मैरिज के अंदर भी इंसान को आम तौर पे तीन ही सूरतों का सामना होता है कि पहले लव हुआ और फिर मैरिज हो गई, दूसरी सूरत में पहले लव हुआ फिर जलील हुआ और फिर मैरिज हो गई, और तीसरी सूरत में पहले लव हुआ फिर मैरिज हुई और फिर रज के जलील हुआ। आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। लव मैरिज के मामले में मर्द बहुत वाज़े होते हैं, उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन औरतों का मामला थोड़ा पेचीदा होता है। औरत को मोहब्बत हो जाए तो कैसे मालूम होगा, इस हवाले से भारत में एक अहम इंकशाफ हुआ है, मुलाहिजा कीजिए। क्या बड़ा खाने को जी नहीं चाहता? इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो धीरे धीरे लड़की से लड़का बन रही है, वो लक्षण तो मुझे भी दिखाई नहीं देता, तो दूसरी ही बात सही है, जरूर तुझे प्रेम का रोग हो गया है। कौन है वो? हर खानदान में कुछ ऐसी आंटियां जरूर होती हैं जिनके अपनी जिंदगी में करने को कुछ नहीं होता, इसलिए वो जब भी आपसे मिलती हैं एक ही सवाल करती हैं। बेटा तुम कब शादी कर रहे हो? ऐसी आंटियों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इन आंटियों का मकसद सिर्फ आपकी शादी करवाना होता है। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आएंगी उस पर ये आंटियां सिर्फ दूर से खड़ी होकर तमाशा देखेंगी और मज़े लेंगी। लड़कियों की शादी के मामले में हमारे यहाँ एक अजीब और अफसोसनाक रवैया पाया जाता है कि अगर लड़की की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई और शादी नहीं हुई तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो इंसान का बच्चा नहीं बल्कि ढिंचक पूजा है। टट्टी मैंने कर लिया। आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं मिसेज खान। इनका अपना मैरिज ब्यूरो है, ये शादियां करवाती हैं, एक जानी मानी पर्सनालिटी हैं, अक्सर मॉर्निंग शोज में भी आपने इनको देखा होगा, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेज खान, कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ मैं ठीक हूँ, जरा जल्दी जल्दी बात कर लो, मुझे अस्पताल जाना है। क्यों, खैरियत है? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? मेरी बेटी के यहाँ बच्चा होने वाला है, उसके पास जाना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, मुबारक हो, आप नानी बनने वाली हैं यानी कि? नानी तो मैं पहले से हूँ, 11 नवासे हैं मेरे, अब 12वां होने वाला है। असल में जब मेरी बेटी की शादी हुई थी ना, तब मैंने अपने दामाद से कहा था कि मेरी बेटी बहुत लाडली है, उसे कभी खाली पेट मत रखना। मेरा दामाद उस बात को गलत मतलब ले गया। खैर मोहतरमा, ये तो आपका जाती मामला है, हम मौजू पे बात करेंगे। ये बताइए कि आजकल शादी के वक्त लड़के वालों की क्या डिमांड्स होती हैं? लड़की के लंबे लंबे बाल हो, गोरे गोरे गाल हो, हिरनी जैसी चाल हो और ढेर सारा जहेज साथ लाए। क्या अब भी लोग अपने मुंह से जहेज मांगते हैं, जबकि हम ये मानते हैं कि जहेज एक लानत है? जहेज एक लानत है और लोग बड़े लानते हैं, जहेज के बगैर मानते ही नहीं। यानी कि लड़की का किरदार और उसकी तालीम, उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अच्छी शक्लो सूरत और जहेज की अहमियत है? हाँ तो लड़के के मामले में भी तो यही होता है, लड़के के करतूत अच्छे हो ना, बैंक अकाउंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा मिसेस खान, ये बताइए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से कौन सी शादी जो है वो ज्यादा बेहतर रहती है? दोनों का एक ही अंजाम होता है, शुरू शुरू में क्यूटी पाई, थोड़े दिन बाद चूतिया पाई। आपकी अपनी शादी लव थी या अरेंज मैरिज थी? पहली और दूसरी लव मैरिज थी, तीसरी और चौथी अरेंज मैरिज। चार शादियां की? हाँ, वक्फे के साथ। मैं समझा नहीं, मतलब पहला शोहर मरा तो दूसरी की, दूसरा मरा तो तीसरी, तीसरा मरा तो चौथा, और अब तो चौथा भी मर गया है। हैरत की बात है। वैसे इन चारों लोगों की मौत की क्या वजह थी, कोई बीमारी थी? नहीं, चारों दबके मरे थे। कहाँ दबके मरे थे? आओ किसी दिन घर पे, बताती हूँ। ज्यादा बाल की खाल मत निकालो, अगले सवाल पर आओ। अच्छा खैर, ये बताएं कि एक रिश्ता कराने के आप कितने पैसे लेती हैं? 50,000। 50,000 रुपए सिर्फ रिश्ता कराने के? साथ में एक साल की गारंटी भी तो देती हूँ। कैसी गारंटी? मुख्तलिफ हिस्सों की। अरे मेरा मतलब यही गारंटी कि एक साल के अंदर तलाक हो गई तो दूसरी शादी मुफ्त।
खैर ये तो नहायत ही फजूल बात की है आपने, और फिर भी 50,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। क्यों, कोई मसला है? हाँ है कुछ मसाइल। मैं तुम्हें एक हकीम का नंबर देती हूँ, तुम उनके पास जाओ। ये आपने किस किस्म की बातें शुरू कर दी मोहतरमा? एक्सक्यूज मी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हालात साजगार नहीं है और मेरे साथ कोई मसला नहीं, और दूसरी बात ये कि ये मेरा जाती मामला है, आप प्लीज इसके ऊपर कोई कमेंट ना करें, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आए हाय, अपनी बारी में कैसे मिर्चे लग रही है। तो भाई मैं रिश्ता करवाने के 50,000 लूं या 1,00,000, ये मेरा जाती मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते, हम अपने अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। ये बताइए कि जब रिश्ता तय हो जाता है उसके बाद पहली मंगनी की रस्म होती है, उसके बाद दिन तारीख रखा जाता है, उसके लिए एक अलग फंक्शन किया जाता है, उसके बाद फिर निकाह का एक बाकायदा इवेंट होता है, दोनों घरों में मेहमान भर जाते हैं, रत जगह होते हैं, उसके बाद फिर माइयों होती है, फिर मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा होता है, और मामला यहीं नहीं थमता, इसके बाद भी लड़की वाले चौथी की रस्म करते हैं और लड़के वाले जो हैं वो खीर पकाई पे एक दावत का एहतमाम करते हैं। तो इस शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, क्या हम इसको थोड़ा आसान नहीं कर सकते? तुम्हारे जैसे मनहूस लोग क्यों चाहते हैं कि मुआशरे में सारी रौनकें ख़त्म हो जाएं? ये रौनकें लगाने के चक्कर में आपको अंदाज़ा है कि कितना वक्त ज़ाया होता है, पैसा पानी की तरह बहता है, लाखों रुपया खर्च हो जाता है। आप तो खैर 50,000 रुपये एक रिश्ता कराने के लेती हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है। रुक जा, यहाँ तेरी मेरी जंग हो जाएगी, तू ये नीच कमीनी औरतों की तरह बार बार मेरी कमाई बर्बाद क्यों कर रहा है? अच्छा ये बताइए, आप टैक्स अदा करती हैं, टैक्स देती हैं? तुझे हर बात की जड़ में घुसने की आदत है, पिछली वीडियो में भी तू यही करता है, तू जैसे आदमी को कोई लड़की पसंद नहीं करती, इसीलिए अब तू कमारा ही मरेगा। बात तो सुने, शायद हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया है मिसेस खान से। आखिर में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने डिस्प्रीन और पैनाडॉल बनाने वाली कंपनियों से बाकायदा ठेके पकड़े हुए हैं कि आप गोलियां बनाएं, सरदर्द हम देंगे। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि लोगों की ज़िंदगियां आसान बनाएं, बिलखसूस शादी को आसान बनाएं। जब रिश्ता तय हो जाए तो लड़के वालों और लड़की वालों दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर कम से कम बोझ डालें, क्योंकि अब इस गाड़ी ने सारी ज़िंदगी चलना है, और ये तभी अच्छी तरह चल सकेगी जब इस गाड़ी के दोनों पहियों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रहेगा। अगली मर्तबा नए मौजू और नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए। हवेश शफीक दही बड़े खाएगा? नहीं भाई, दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा, इसका मतलब बाबू तुझे भी प्रेम का रोग लग गया है ना, वरना फिर तू लड़के से लड़की बनने वाला है, मैं तुझे बता रहा हूँ। अरे भाई वो तो पहले ही चक्का है। हैं? मजो आयो, पेरेंट्स के साथ ऐसा मजो आयो।